और भाई क्या हाल चाल समझते हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह 4:30 मतलब रात भर नींद ही नहीं आई कि कल निकलना है, कल निकलना, एक्साइटमेंट के चक्कर में। उसके बाद ना 4:30 उठे, नहा लिए, बट पेट भी खाली है, ना चाय मिला ना नाश्ता। ये मेरी दीदी मेरे को कुछ खाने को नहीं दी है देखो क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी निकलना है ठंडा ठंडा में, और मौसम भी ना काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पानी गिरेगा। 2-4 बूंदें गिर चुकी हैं। अब देखते हैं आज कितना डिस्टेंस कवर कर पाते हैं हम लोग। ये दादाजी पूछ रहे थे क्या कर रहा है बताओ, और क्या हालचाल बताइए, का हालचाल बताइए, अपना हालचाल क्या है? हालचाल का है, हमें टट्टी लगती है यार इनको इनको प्रॉब्लम है लूज मोशन की, तो उसके बारे में बता दें कि मेरे को लूज मोशन है। चलो, इसके पास ना एक हेलमेट है तो वो तो मैं पहन लूँगा, मालूम मैं ड्राइव करूँगा तो एक रास्ते में और ले लेंगे, फिर नया वाला मैं पहन लूँगा, पुराना वाला ये पहन लेगा, तो दोनों। अरे वाह, ये लड़का बड़ी हड़बड़ी में है भाई, बैग वगैरह रख ले, थोड़ा सा बैठ ले, बांध ले, हम लोग छू लेते हैं ना पैर। चाबी चाबी हम देते हैं ना, हम चलाएं गाड़ी, बैग पकड़ो। अरे एक तो वो चीज़ भूल गया मैं, ए लल्लू क्या बोलते हैं उसको यार, कहाँ गया मेरा स्टैंड बड़ा वाला, मैं इसको लेके आया था, ट्राइपॉड है बड़ी वाली। पानी बरसे करे बाबा, पानी छाता छाता नहीं रख ले यार, पकड़ो इसको पकड़ो। चलो बैठते हैं, बाय बाय। सामान ज़्यादा तो नहीं है वैसे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है चलो, चले चलो, ये दो हेलमेट दो, हेलमेट पहन लेते हो, रास्ते में हेलमेट ले लेंगे। ठीक है, लो भैया जिस बात का डर था ना वही हो गया, बारिश चालू हो गई, बस गांव से बाहर निकले और हल्का फुल्का दिन निकल रहा था, लेकिन उसके बाद फिर से अंधेरा चालू हो गया। अब यहाँ पे हम रुके हुए हैं, हम लोग ना इस रास्ते जा रहे थे सीधा, अब पता नहीं आधा घंटा एक घंटा बारिश आए, अगर ज़्यादा देर बारिश आएगी ना तो फिर वापस होना पड़ेगा यहीं से, क्योंकि ना फिर जिस डिस्टेंस पे हम लोग को पहुँचना है 200 किलोमीटर प्लस थे, तो वहाँ पहुँचने में रात हो जाएगी, या फिर हो सकता है रात से भी ज़्यादा हो जाए, फिर बीच में कहाँ रुकेंगे ऐसा करके। जो हॉल्ट मेरा मतलब जहाँ पहचान है, जान पहचान है वहाँ। राहुल कैसा महसूस कर रहा हूँ मेरे साथ फंस के, हैं ये बोलो तो मैं ट्रेन से जाऊँगा, मतलब ट्रेन से नहीं, मैं चल बाइक चलते हैं, तो कोई दिक्कत बाइक चलने में? बारिश हो रही है, यही दिक्कत है भाई। ये देखो ये देखो, ये भींग गया तुरंत, थोड़ा मड़ा बारिश कम हुआ भाई साहब, कम हुआ क्या अंकल? ये ना मतलब इनको ना आइडिया है कि पानी रुकेगा नहीं रुकेगा, इसलिए बोल रहे थे। अब तो नहीं बरसेगा ना, उस तरफ जाना है हम लोग, उस तरफ तो बादल खुला हुआ है, इस तरफ ठीक है। ये बोल रहे थे जो पानी की बूंदें पड़ती हैं, ये बोल रहा हूँ मैं, जो पानी की बूंदें पड़ती हैं उसमें जो गुब्बारा बनता है, जब तक गुब्बारा बनेगा ना पानी की बूंदे में, पानी नहीं रुकेगा, ऐसा सिस्टम है। अब गुब्बारा भी नहीं पड़ रहा है, पानी भी नहीं गिर रहा है। चलो राहुल हैं, और मैं सोच रहा हूँ टंकी फुल करवा दूँ, 8 लीटर की है ना भैया? अच्छा उसमें पता चलेगा 8 लीटर की है टंकी, पर्ची दे दें आपको। हाँ ठीक है ठीक ठीक, 8 लीटर पेट्रोल में राउंडली 400-350 किलोमीटर के आसपास चलनी चाहिए। 8 ज़्यादा है, रहन दीजिए रहन दीजिए, कितना हुआ? 900 का हो गया, 880 का, रहन दीजिए, कहीं फिर ज़्यादा फुल नहीं, हाँ हो तो गया, इतना तो गैप रहना चाहिए। ये देखो यहाँ तक तेल आ गया, मतलब इतना गैप तो रहना ही चाहिए, इसमें लिखा हुआ भी है यहाँ पे। तो हम लोग ना अभी 100 किलोमीटर के आसपास निकल चुके हैं और एक हेलमेट ले रहे हैं, और वहाँ पे मेरे को ये समझ में नहीं आया कि 8 लीटर की टंकी में 9 लीटर पेट्रोल कैसे आ गया। ये भी बोल रहे थे भैया कि 2-3 लीटर और डलवाऊंगा ना तो वो भी आ जाएगा, मेरे को नहीं पता भाई कि कितना तेल उसमें गया। ये रहा हेलमेट, तो ले लेते हैं, एक तो है मान लो स्ट्रेस वगैरह इसमें, तो अभी हम लोग एक होटल में रुके हैं, बहुत तेज भूख लगी, सुबह खाली चाय पिए थे तो वो भी दूसरे घर में, घर से तो चाय पिए के निकले नहीं थे, हालत ख़राब भाई, पता नहीं अब खाना है कि नहीं, बोल रहे हैं नाश्ता तो है, खाने का नहीं पता। आगे चल के यहाँ से छतरपुर तकरीबन 30 किलोमीटर है, यहाँ नहीं मिलेगा फिर छतरपुर में जाके खाते हैं, पूछते हैं देखते हैं बचा हुआ, तो वहाँ से कहीं रात पता नहीं है। कहाँ खाना है राहुल ऑप्शन में, बता बता
जो मिल जाए वही सही। ये बिंदी इसको बोलते हैं बाइक चला, बाइक चलाना था हैं, बाइक चलाना है, ये मना कर देता है यार बार बार। यार मेरा तो हालत ख़राब हो गया। क्या क्या बोलना है, मेन्यू कार्ड है यहाँ पे। अब यहाँ पे कहाँ पे है देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। ये रहा मेन्यू कार्ड। क्या खाओगे राहुल लाला? मेरे को भाई मैं इसलिए समोसा वगैरह नहीं खाया, मेरे को चाहिए सादा भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी। ये हो गई सब्जी, दाल, सब्जी कहे की है भैया? जब तक मैं सोच रहा हूँ ना कल वाली वीडियो अपलोड कर देता हूँ यहाँ से, पता नहीं यहाँ पे नेटवर्क आएगा कि नहीं आएगा, और थोड़ी मोड़ी एडिट करना ही बाकी थी। राहुल के यहाँ सोया, मतलब इतना ज़्यादा आलसी है इन लोग, इन लोगों के घर में कूलर है लेकिन उसमें ना मोटर ख़राब हो गई पानी वाली, वो बदल नहीं सकते। रात भर भगवान खुद इसको खुद की नींद नहीं आई, इतने ज़्यादा मच्छर काटे ना, इतने ज़्यादा मच्छर काटे रात को छत के ऊपर, ऊपर नीचे मैं होता रहा। ऐसा लगा था रात को 2 बजे मैं निकल लूँ वहाँ से, मेरी गाड़ी में तेल नहीं था तो भगवान कसम निकल लेता मैं। ऐसे ही आलसी है, इसको नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है नहीं, ये सब ऐसे ही हैं, बोलना चलना है नहीं, शर्माते नहीं पता कुछ बोलने में। मैं बोला नहीं लग रहा है, अरे बोलो भाई कुछ नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, लिखाओ। एक प्लेट आ गया, प्लेट को भाई दबाओ। भाई तो बोलते हो खाने के बाद में मस्त हवा लग रही है, वीडियो अपलोड करेंगे यहीं पे बैठेंगे छतरपुर। मतलब मेरा टारगेट था कि छतरपुर पहुंचना है आज के आज, पहुंच गए 30 किलोमीटर बचा है, मान लो समझ लो पहुंच गए, और उसके बाद खजुराहो बचा है 30-35 किलोमीटर, उसके आगे मन करेगा तो वो भी पहुंच जाएंगे। बैठे बैठे ना कम से कम 20-25 मिनट हो गए हैं, नींद भी आने लगी, खाना नहीं खाया अभी तक नहीं आया। ये बोलता है राहुल खाना लेने गए कि मजाक करने गए, और मैं अपना काम कर रहा था, वीडियो एडिट कर रहा था, तो ये ना बोर हो रहा है, इसके पास कुछ काम है नहीं वैसा। पहले खाना आ गया, बहुत देर लगा दी थी, रोटी में टाइम लग जाती है, ऐसा क्या 5 रोटी में हो जाएगा ना बाबा? हैं 5 रोटी में गए हम लोग और सैलड है। अब मैं सोच रहा हूँ सब्जी का ज़्यादा करो, क्योंकि ना ज़्यादा नहीं खाएंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा खा लेंगे तो नींद आएगा, फिर पेट ख़राब होगा, फिर दुनिया आतारी ये सब। राहुल सो गया है और मैं स्लाइस लाया था 2 डब्बे, ख़त्म हो गया। ओए उठ, मेरे को भी ना नींद आ रही है पता है, लेकिन मैं बट मेरा वीडियो अभी अपलोड हो रहा है और उठ गया। मेरा वीडियो अभी अपलोड हो रहा है इसलिए मैं सोचा कि इतना ठंडा पी लूँगा तो शायद नींद आए। पी हो है पक्का? बोलता है पी जब तक हो जाए, जब तक मतलब जब तक पिएगा तब तक मैं और सो लूँगा। ले पियो ले, उठो उठो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, उठ उठो जल्दी उठो। इसको मैं डस्टबिन में डाल के आता हूँ, पता नहीं भाई कौन सा ढाबा है, क्या है ढाबा है, ना कोई कस्टमर है ना कोई मालिक है, खाना खिलाया पैसा लिए चले गए। मैं सोच रहा हूँ वीडियो अपलोड हो और बाकी तो टाइम वेस्ट करना नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ तो कोई इलाका है नहीं जहाँ मैं और वीडियोस बना सकूँ। अब उधर ही जाएंगे, छतरपुर रुकेंगे या फिर खजुराहो, सोच रहा हूँ खजुराहो मैं घूम लूँ थोड़ा मोड़ा, लेकिन देखते हैं सब आगे जाके पता चलेगा। अब उसके स्लाइस कह रहे हैं पाइप नहीं मिल रहा है मेरे को, पाइप शायद मैं अपना वाला उसी में फेंक दिया, यहाँ कहीं गिरा था स्लाइस इसका, शायद पाइप गिरा हो, देख तो नहीं है। ऐसे ही काट के मारो ऐसे ही। अभी पता है राहुल बोलता है मैं यहाँ पे अभी ऐस कर रहा हूँ, वहाँ जाके मेरे को पानी पूरी बेचना पड़ेगा, फिर से काटो। शाबाश, यहाँ मत फेंकना ना उसको, रखे रहना। ठीक ठीक सही खेल रहे हो। पी ले, चलो चलते हैं फिर। सुबह बारिश हुई थी ना, पूरे जूते ये लोअर वगैरह देख रहे हो सब खराब है। चल सकते हैं, वीडियो अपलोड हो गई और अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई देखो। अच्छा आधा 1 घंटा इंतज़ार कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, अब आएगा मज़ा है कि नहीं। अब एकदम चिल्ड धूप, देखते हैं अब। अभी तक ना हम लोग जाते थे ना यूपी से सूरजपुर, कहाँ हल्का होने जा रहा है जाओ, तो ना हम लोग ट्रेन से जाते थे, लेकिन ना ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है भाई,
सुबह काफ़ी ठंडी लग रही थी, पानी बरस रहा था और अभी इतनी तेज़ धूप है ना कि क्या बताऊँ। लेकिन हेलमेट जो मैं लिया ना भाई, आप लोग सजेशन भी दिए कि हेलमेट होना ज़रूरी है, तो वो ना काफ़ी हेल्प करा। जैसे इसको बंद कर देता हूँ ना तो गर्म हवा ठंडी हवा का पता ही नहीं चलता एकदम बिल्कुल भी, मस्त है। तो अभी ना एक पेट्रोल पंप के पास रुके थे, ठंडा पानी मिला था भाई इसीलिए। और हम लोग सोच रहे हैं डायरेक्ट मैहर जाए, मैहर से कल आपको सीधे सुबह सुबह मिलेंगे, क्योंकि ना आप लोग सारे कमेंट्स कर रहे हो कि पानी पूरी जो ब्लॉग है बेचते हो वो वाला देखना है, वो वाला देखना है, वो वाला देखना है, वो वाला देखना है, और आपको वही वाला दिखाएंगे, वही वाला दिखाएंगे। इसलिए बस फटाक से निकलते हैं। ये बाइक नहीं चला रहा है भाई, मेरी हालत ना ख़राब हो चुकी है एकदम। चला ले भैया, ठंडा पानी पी लिया हूँ तगड़ा, बट मुँह वगैरह नहीं धोया, शायद नुकसान ना करे फिर। चलो समेटो। अरे बाबा रे गर्मी, ठंडा गर्म हो जाएगा लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद, देखना बता रहा हूँ पक्का। हम लोगों का जो स्टॉपेज था ना वहाँ से मैहर था, मैहर में हम लोग शाम को 5:30 बजे पहुँच गए थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गए, नहाए धोवाए खाना पीना खाए, फिर मैहर से सुबह निकल चुके हैं। तो ये सुबह निकलने वाली वीडियो है, यहाँ पे मैं एक जगह हूँ, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बहुत जल्दी मेरे को घर पहुँचना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।